नमस्कार, सोशल सिटी प्राइम न्यूज चुनाव विकास और समीकरण में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं बनकटवा प्रखंड के ग्राम पंचायत राजीतपुर में। क्या है हकीकत, क्या है फसाना, आधी हकीकत आधा फसाना। और हमारे साथ है यहां से मुखिया उम्मीदवार बच्चा अंसारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपसे हम जानना चाहेंगे मुखिया का चुनाव लड़ने का डिसीजन आपने कैसे किया? मैं यहाँ के समस्याओं को देखकर, जीतपुर पंचायत के समस्याओं को देखकर मैंने डिसीजन किया कि मैं मुखिया का चुनाव लड़ूंगा और यहाँ के समस्या से यहाँ की जनता को निदान दिलाऊंगा। क्या मुख्य समस्या है इस पंचायत? यहाँ का मुख्य समस्या है उचित एक भी गरीब का मकान नहीं बना है। इंदिरा आवास में 30,000 रुपया बिचौलियों द्वारा प्रेजेंट मुखिया द्वारा वसूली किया जाता है। एक भी नाली गली का काम सही रूप से नहीं हुआ है। जहां हम लोग खड़े हैं ये भी एक नली गली के योजना में ही आता है। यहां एक भी काम आज तक नली गली का नहीं हुआ है। इस पंचायत में एक भी नल जल सही रूप से नहीं चलता है। अभी हम लोग जो वर्तमान में जहाँ खड़े हैं, ये वार्ड नंबर कितना है? ये वार्ड नंबर 7 और 8 है। भवानी 8 है। आप इस जगह के वार्ड नंबर 8 के यहाँ की जनता हैं और क्या वर्तमान मुख्य स्थिति क्या है? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। नल जल चलता है? जी नहीं चलता है। नली गली का काम हुआ है? नहीं हुआ है। शौचालय बना है? ना। इंदिरा आवास या किसी को आवास योजना का लाभ मिला है यहाँ पे? कोई भी नहीं। तो जब इस तरह का लाभ इस पंचायत के लोगों को नहीं मिल रहा है तो फिर वो फंड और वो योजना आखिर हुआ क्या? कागज में खानापूर्ति हुआ है, बिल्डिंग वालों को मिला है और वही बिल्डिंग का फोटो खींच के खानापूर्ति करके उसको लाभ पहुँचाया गया। इस तरह की समस्याएं आ रही है, आपने वीडियो साहब के पास कंप्लेन क्यों नहीं किया? सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों के पास इसका कंप्लेन आपने आगे क्यों नहीं बढ़ाया? कंप्लेन होता है लेकिन कंप्लेन को मिली जुली करके रफा दफा कर दिया जाता है। यहाँ जीतपुर पंचायत में वार्ड नंबर 11 में आप जाके अभी मुआयना कर लीजिए। लगभग 9 महीना हो गया नाला कोड़ाए हुए, कुछ नाला जुड़ाया है, कुछ बाकी है, उसी तरह गिरा हुआ है। उसमें वहाँ के लगभग 7-8 व्यक्ति का डांड और पैर टूट चुका है उस नाला में गिर के। पूरा बरसात लोग कटा है, आज तक उसी तरह अधूरा है। उसका भी कंप्लेन डीएम साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ, बीडीओ साहब के यहाँ हुआ लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, पंचायत चुनाव 2021 तो हो रहा है लेकिन क्या पंचायत में विकास माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के योजना के आधार पे हुआ है? सवाल अब भी बाकी है कि क्या यह विकास 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हुआ है? क्या इस तरह 7 निश्चय योजना आने के बावजूद, 7 निश्चय में योजना में बहुत सारी फंड आई थी और बहुत सारी योजनाएं भी थी जो पंचायत के वार्ड वाइज विकास करने का काम कर रहा था, उस योजना के आने के बावजूद भी अगर आपके पंचायत का विकास नहीं हुआ तो फिर कब होगा विकास? विकास तब होगा जब यहाँ का प्रतिनिधित्व अच्छे व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा, स्वतः विकास हो जाएगा। आपके चुनाव का मुख्य एजेंडा क्या है, किस एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा मुख्य एजेंडा है गरीबों का उद्धार करना, सरकार का योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचाना, यही मेरा मुख्य एजेंडा है। पंचायत की जनता से क्या अपील करें? पंचायत की जनता से मैं बार बार अपील करता हूँ, कर रहा हूँ कि भाई आप लोग एक बार हमें सहयोग करें, मैं पूरे पंचायत का विकास करूँगा। एक भी पंचायत में झोपड़ी नहीं रहने दूंगा, सरकार का योजना का लाभ झोपड़ी तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।